इडली खाने का मजा तब है तब इडली सॉफ्ट हो, फ्लफी हो और टेस्टी हो। तो हम आज आपके लिए लेके आए इडली सांभर और साथ ही नारियल की चटनी की रेसिपी। हम नहीं लेके आए, हमने अपनी फौजी की जो हमारे हस्बैंड हैं उनकी रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं। बाकी हम तो झटपट से बना देते हैं रवा इडली की रेसिपी। अगर आपको चाहिए है तो आप कमेंट कर देना, हम रवा की इडली की रेसिपी भी आपसे शेयर कर देंगे। इसमें उन्होंने पूरा परफेक्टली सांभर बनाया है, इडली बनाई है, पूरा एक एक चीज़। सांभर जो है वो हमारी सास ने बनाया है, मतलब फौजी की जो मम्मी है उन्होंने बनाया है, और जो नारियल की चटनी और इडली है वो हमारे हस्बैंड ने बनाई है, मतलब फौजी ने बनाई है। और वो रेसिपी आप ज़रूर देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी कि आप भी घर पे बनाइए, नारियल की चटनी है साथ में। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे से म्यूज़िक के बाद। तो चलिए आज इडली की मतलब सरगुण संपन्न जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले ले लेना है एक गिलास चावल। हमने दो गिलास चावल लिए थे, सॉरी उन्होंने दो गिलास चावल के लिए थे, उसमें दो गिलास चावल के हैं, तो तीसरा हिस्सा मतलब आधा गिलास हमें उड़द दाल का लेना है। कुछ मेथी के दाने लिए हैं, उसमें जो वो खमीर है वो अच्छे से बनता है और टेस्ट भी अच्छा आता है इससे। और थोड़ी सी उन्होंने चना दाल लिया था, ये उनका सीक्रेट है। अब इसको उन्होंने अच्छे से धो लिया था, मतलब पूरा अच्छे से, तब तक पानी सफ़ेद नहीं हो गया था तब तक उन्होंने धोया था। देखिए पानी हो गया ऑलमोस्ट क्लियर। अब उसने ढक के इनको 4 घंटे के लिए रखा था, 4 से 5 घंटे भी आप रख सकते हो। फिर उसमें से दाल निकाल के उसने मिक्सी में पीस लिया, साथ में पोहा भी ऐड कर दिया था, बोल रहा था उससे कलर अच्छा आता है। मैं पोहा भी यूज़ कर लेती हूँ, साबूदाना भी उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो, उसको भिगो के रख लें दाल के साथ, साबूदाना भी आप यूज़ कर सकते हो। देखिए बैटर उन्होंने इतना थिक बैटर तैयार किया था, और उन्होंने उस जार से थोड़ा बड़ा ही वो लिया था बर्तन, बोल रहे थे कि फूलेगा वो। और साथ ही उन्होंने रात को ही मसूर की दाल भिगो दी थी, उसको भी अच्छे से धो के क्लियर करके उसको फिर भिगोया था। अब सुबह सुबह उठ के उन्होंने क्या किया, बैंगन कट किया, शिमला मिर्च को कट किया और दाल को उबलना रख दिया, 2 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच नमक की डाल के। सॉरी ये तो जो है हमारी जो फौजी की मम्मी है, मतलब हमारी मम्मी ने बनाया है। तो फिर उन्होंने कढ़ाई ली, कढ़ाई में ऑयल डाला, फिर जीरा डाला, फिर हींग डाली थोड़ी सी, फिर राई डाली, एक एक चम्मच लगा लो। तब जीरे ने अच्छे से कलर चेंज कर लिया, देखिए कलर चेंज हो गया है। फिर उन्होंने प्याज डाल दिया हरी मिर्च के साथ, अब थोड़ी देर चला के इसको, फिर उन्होंने कड़ी पत्ता डाल दिया। मैं बोल रही पहले क्यों नहीं डाला, तो वो मम्मी बोल रही थी कि फिर जल जाता है ना इसीलिए। फिर टमाटर और हरा धनिया, उन्होंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला, जो डंठल होती है उनकी वो, उससे टेस्ट अच्छा आता है। आप चाहो तो यहाँ पे ड्रीम स्टिक भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ गाँव में ड्रीम स्टिक नहीं मिली, हमने पूरी ढूँढा इसीलिए। फिर 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 ही चम्मच उन्होंने नमक डाली, छोटी चम्मच थी क्योंकि आप ध्यान रखें आपने स्टार्टिंग में भी डाली हुई है, मतलब दाल में भी आपने डाला हुआ है। फिर थोड़ा सा हल्दी डाल के उसको भून लिया अच्छे से। देखिए अच्छे से हमारा जो तड़का है वो तैयार हो गया है। अब इसमें उन्होंने पूरी दाल जो हमने बॉयल की थी वो डाल दी, थोड़ी देर चला के इसको। फिर कश्मीरी लाल मिर्च डाली 2 चम्मच, उससे कलर अच्छा आता है। साथ ही उन्होंने डाला था सांभर मसाला 2 चम्मच। देखिए हमारा सांभर तैयार है धनिए की पत्तियों के साथ।
अब हमने जो मूंगफली है और साथ में लाल मिर्च है उसको ड्राई रोस्ट कर लिया, साथ में हमने जो नारियल है उसको भी ऐसे निकाल लिया है, आप चाहो तो इसका छिलका उतार सकते हो। साथ ही हमने हरी मिर्च ली है और कुछ कड़ी पत्तों के साथ ही इसको पीस लिया है। देखिए हमने जो पीसा है वो ऐसा बैटर तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी जो पीसा है उसमें डाल के हिला के थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लेना है, साथ ही स्वाद अनुसार नमक डाल लेना है। हमने तो इडली खाई थी, बहुत इंजॉय किया था, आई होप आप भी इंजॉय करेंगे। अब उन्होंने एक पैन मतलब एक तड़के की जो होती है वो लिया और साथ में उसमें रिफाइंड डाल के और उसमें थोड़ा सा घी डाल के उसको गर्म करके हींग डाल के एक चम्मच, साथ ही उन्होंने एक चम्मच राई डाली थी। आप चाहो तो यहाँ पे देगी मिर्च जो साबुत लाल मिर्च होती है वो डाल सकते हैं, बट हमने पहले ही डाल ली है। अभी उन्होंने कड़ी पत्ता डाल दिया और इस तड़के को इसको जो हमने पेस्ट तैयार किया था उसमें डाल के तड़का लगा लिया। देखिए हमारी जो नारियल की चटनी है वो बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। अब वो बनाएंगे इडली। इडली के लिए हमने जो बैटर है उसमें नमक मिला लिया है, नमक अभी मिलाना है क्योंकि पहले नमक मिलाएंगे तो उसमें खमीर नहीं बनेगा, इसकी जो हवा है वो बनी रहनी चाहिए। देखें आपको दिख रहे होंगे बबल्स बने हुए हैं। अब हमने जो स्टीम करने का बर्तन होता है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको रख दिया है गैस पे लो फ्लेम पे। अब जो हमारा इडली के जो बर्तन है उस पर थोड़ा सा घी लगाया है और उस पर इडली का जो बैटर है वो लगा दिया है, रख दिया है और हमारी जो इडली है वो तैयार है बिल्कुल स्टीम होने के लिए। अब 15 मिनट के लिए इसको स्टीम करना है लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम पे रखना है इसको। देखिए हमारी जो इडली है वो बिल्कुल तैयार हो गई है, नाइफ पे बिल्कुल भी नहीं लगी है। देखिए अब हम इसको सर्व करेंगे। आप भी घर पे बना के देखिए, हम तो खाने जा रहे, हमसे तो सब्र ही नहीं हो रहा था। अब हमने एक प्लेट में सांभर डाला कटोरी में और प्लेट में डाली चटनी नारियल की, साथ ही ले ली हमने इडली। लो जी आप भी खाइए, यहाँ पे थोड़ी खा पाएंगे, आपको घर पे बनाना पड़ेगा ना खाने के लिए। हमने इडली खा के जितना ही मज़ा आया ना, फिर क्या ही बताएं आपको। आप भी बना के देखिए और खा के देखिए, हमसे तो सब्र ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमें इनके हाथ का डोसा और इडली बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। देखिए कितनी फ्लफी और फुली फुली बनी है ना। लीजिए थोड़ी सी नारियल चटनी लगाई, थोड़ा सा सांभर लगाया, आप चाहो तो इसमें डुबो के भी खा सकते हैं। गर्मा गर्म इडली तैयार है। बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।